हेलो स्टूडेंट्स, रिडक्शन हम पढ़ रहे हैं और रिडक्शन के अंदर दो रिड्यूसिंग एजेंट हम अभी तक पढ़ चुके हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरो हाइड्राइड। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं हम इसमें। ठीक है, हाइड्रोजनेशन भी बोला जाता है जनरली एल्कीन और एल्काइन के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल निकिल प्लेटिनम पैलेडियम। ठीक है, एक्सेट्रा। तो मेटल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करना, ठीक है, ये भी एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक रिडक्शन का प्रोसेस है। सबसे पहले से अगर इसमें बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ रिडक्शन ऑफ एल्कीन। ठीक है, बाय हाइड्रोजनेशन, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करना भी वो क्या है, एक रिडक्शन है। यहाँ पर अब बात हो रही है पहली चीज़ तो कि अगर मैं सिंपल रिएक्शन की अगर बात करूँ, ठीक है, तो रिएक्शन की अगर बात करूँ तो कोई भी एल्कीन है मेरे पास, इस एल्कीन की रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी मेटल ले लो, निकिल ले लिया है, तो यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और उसकी जगह दो हाइड्रोजन एटम लग जाते हैं। एल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे एच टू है, ठीक है, होमोलाइटिक क्लेवेज इधर होता है, होमोलाइटिक क्लेवेज इधर होता है, ठीक है, और इसके पास भी एक फ्री रेडिकल, इधर भी फ्री रेडिकल, इसी तरीके से यहाँ पे फ्री रेडिकल और उसमें एच एच ऐड कर देना, मतलब पाई बॉन्ड हटाना है और वहाँ पे हमें क्या लगा देना, हाइड्रोजन ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये कहलाता है हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल। देखो, एक चीज एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। पहली बात तो इस मेटल को लेने की क्या जरूरत पड़ी, बिना मेटल की भी तो रिएक्शन हो सकती थी, ठीक है, बिल्कुल हो सकती थी रिएक्शन, लेकिन बिना मेटल के रिएक्शन होना, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है उसमें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो तो क्या है, गैस फॉर्म में, तो गैस फॉर्म में तो रैंडमली इधर उधर गैस क्या करती रही, मूव करती रही, तो एल्कीन के साथ आके वो रिएक्ट करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक क्या होना है, इसका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होना है और यहाँ पर इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होना है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड ब्रेक हो उसके बाद एक नया बॉन्ड बनना है, तो ये गैसेस फॉर्म में होता है, तो कितना फ्रिक्वेंटली उससे रिएक्ट करे, तो ये चीज़ पॉसिबल इतना ईजिली हो नहीं पाता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होती है। तो मेटल को यूज़ करने से क्या फ़र्क पड़ जा रहा है, ठीक है, तो मेटल को यूज़ करने से फ़र्क क्या पड़ रहा है वो हम देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एज सच, इसमें मैकेनिज्म जैसे हम अभी तक लिखते हुए आए, ठीक है, बाकियों का मैकेनिज्म और इसके मैकेनिज्म में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है कि इसमें जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस मान लिया मैंने और यहां पर, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है और यहां पर मैंने मान लिया ये सरफेस ऑफ मेटल है, और कौन सा, किसका सरफेस है ये मैंने मान लिया, ये निकिल मेटल है, इसका सरफेस है। अब निकिल है तो उसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इसके पास मैंने मान लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, यानी, ठीक है, तो निकिल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब होता क्या है, जो मेटल का सरफेस है उसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मूव कर रही होगी यहाँ वहाँ, वो हाइड्रोजन गैस इसके कॉन्टैक्ट में आती है, इसके कॉन्टैक्ट में आने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मेटल के सरफेस पे, ठीक है, मेटल के सरफेस पे इनका एड्सॉर्प्शन, एडी, दो प्रोसेस होते हैं, एक ए बी, ठीक है, बी फॉर बॉय एब्जॉर्प्शन बोलते हैं और एक होता है एडी एड्सॉर्प्शन, ठीक है, डी फॉर डीआर सर, ठीक है, तो डी हो रहा है यहाँ पर एडी, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एड्सॉर्प्शन, और ये भी 12th क्लास का हमारा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री में, हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं। एबी, ठीक है, बॉय वाला एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी बॉडी के अंदर थ्रू आउट किसी भी दूसरे एलिमेंट, अगर मैं बोलूं यहां से ये ए एलिमेंट है ये बी एलिमेंट, तो बी एलिमेंट ए के अंदर थ्रू आउट पूरी बॉडी के अंदर सेंटर पे भी सरफेस पे भी और मिड में भी पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ए बी, और सिर्फ सरफेस सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है, सिर्फ सरफेस सरफेस के ऊपर होता है तो उसको बोलते हैं ए डी एड्सॉर्प्शन। तो यहां पर भी सिर्फ सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके साथ ये कंबाइन होकर आपस में ये बॉन्ड तोड़ दे रहे, ठीक है, आपस में बॉन्ड तोड़ दे रहे और इस तरीके से इनके बीच में यहां पर मेटल और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। अब ये बॉन्ड बनने की वजह से, ये बॉन्ड बनने की वजह से अब ये जो हाइड्रोजन गैस फ्रीली इधर उधर मूव कर रही थी वो एक जगह क्या हो गई, स्टेबल हो गई, यानी
ठीक है। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस स्टेबल होगी, ठीक है, एड्सॉर्प्शन होगा, उतना ही इजी होगा एल्कीन से रिएक्ट करना है। नहीं तो जैसे ही ये एड्सॉर्ब हो रही है, तो एड्सॉर्ब होने के बाद, ठीक है, एड्सॉर्ब होने के बाद यहां पर मैंने मान लिया ये जो मेरे पास एल्कीन है, ठीक है, ये एल्कीन है, एल्कीन के साथ ये जो हाइड्रोजन थी हमारे पास, ये क्या करने लगते, बॉन्ड बनाने लगते हैं। नहीं ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है मेरे पास, ये तो ब्रेक होने लगता है, ठीक है, ये बॉन्ड यहां बनाया इन्होंने, ये बॉन्ड तो ब्रेक होने लगता है और ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनने लगता है। ठीक है, यहां पर एड्सॉर्प्शन हो गया, इन दोनों के बीच में से बॉन्ड टूट गया, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ बना लिया बॉन्ड, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थे ना, इसके साथ इन्होंने बॉन्ड बना लिया, यहां से बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है और ये बॉन्ड बनना शुरू होता है, और ये बॉन्ड भी क्या होता है, ब्रेक होना शुरू होता है। इस तरीके से एक ऐसा आप मान सकते हो ट्रांजिशन स्टेट टाइप हो रहा होता है। अब हाइड्रोजन इधर स्टेबल है मेटल के सर्फेस पे, तो ईजिली एल्कीन को, एल्कीन इसके पास जब आएगी तो एड्सॉर्प्शन पॉसिबल है, और अगर ये रैंडमली इधर उधर मूव करते तो एड्सॉर्प्शन होना इतना ईजी नहीं होता। ठीक है, तो यहां से मेटल के सरफेस, अब ये जो मेटल है, तो मेटल काम क्या कर रहा है, मेटल ये जो निकल का मेटल है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करना है। ठीक है, कैटलिस्ट दो तरीके भी होते हैं, एक पॉजिटिव भी होता है, एक नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, और नेगेटिव मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। तो यहां पर बोल सकता हूँ पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। सिंपल हाइड्रोजन और एल्कीन में लेता तो वो इतने फ्रिक्वेंटली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आते, और ये इतना इंट्रैक्शन अच्छा नहीं होता, ये बॉन्ड बनने में बहुत टाइम लगता। तो इसने क्या करा, मेटल ने अपने सरफेस के ऊपर इसको एड्सॉर्ब करा, एड्सॉर्ब करने के बाद एल्कीन के साथ इसमें इजिली रिएक्शन हो जा रही है, और इजिली रिएक्शन होने से प्रोडक्ट हमें बहुत जल्दी मिल जा रहा है। तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट है एल्कीन, तो हमें यहां पे जो एल्कीन थी इसके साथ तो क्या लग गए, हाइड्रोजन लग गए, ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया, और ये जो कैटलिस्ट है फिर से क्या हो गया, रीजनरेट हो गया, नहीं मतलब मेटल वापस आ गया। ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, और एंड ऑफ द रिएक्शन जब रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट, तो वापस कैटलिस्ट रिजनरेट हो जाता है। तो ये वापस हमारा ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेटल है, निकल का मेटल जो हमने लिया एज ए कैटलिस्ट, वो रिजनरेट हो गया। तो ध्यान रखना यहां पर जो निकल है ये क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। आ रही बात सुनने, तो निकल क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिस सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो रहा है, और एड्सॉर्ब होने के बाद, ठीक है, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होने के बाद उसके साथ एल्कीन के साथ रिएक्ट करने से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या दे रहा है, क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन पहले पूछा जाए कि हाइड्रोजन एल्कीन की रिएक्शन हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। ठीक है, ये एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रही है, इसलिए ये निकल भी हो सकता है। ठीक है, जनरली हम कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम लेते हैं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, जिसके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो ये बॉन्ड इजिली आसानी से बन जाते हैं। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो, अब देखो, जो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगा वो एक मॉलिक्यूल आएगा तो ऐसे ही एब्जॉर्ब होगा कि इनके बीच में बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा, और जब इसके पास एल्कीन आएगा तो ये हाइड्रोजन भी दोनों एक ही साइड से क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी ठीक है, एक ही साइड से ही अगर ऐड होंगे तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इनको बोलते हैं सिन, SYN, ठीक है, सिन, और एक होता है एंटी, ANTI, ठीक है, तो एंटी होता अपोजिट और सिन होता मतलब सेम, तो यहाँ पे सिन एडिशन होता हाइड्रोजनेशन के केसे में। ठीक है, एल्कीन का जब मैं हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँ तो ये एक सिन एडिशन होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकली जो ऑप्टिकल आइसोमर वाले जगह इस पर जो कोई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहली चीज तो ये क्या है, एक सिन एडिशन है, यानी सिन एडिशन मतलब दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से क्या होंगे, एक ही साइड से अटैच होंगे, ऐसा नहीं एक हाइड्रोजन इधर से आया, एक हाइड्रोजन इधर से आया, ऐसा नहीं होगा, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से होंगे। दूसरी बात, यहां पर एक पाई बॉन्ड है जो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है जो ब्रेक हो रहा है, रिजल्टेंट क्या हो रहा है, एक ये सिग्मा बन रहा है और एक ये सिग्मा बन रहा है, तो एक पाई एक सिग्मा ब्रेक हो रहा है और दो सिग्मा बन रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है पाई थोड़ा वीक होता है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक सिग्मा और एक पाई मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी, और दो सिग्मा जब बनेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगी कैसे होगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक होगी। इसका मतलब क्या होगा, जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा या नेगेटिव होगा, दैट इज
ये कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है? ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्लियर? तो दो चीज इसको खास आप ध्यान रखें, ठीक है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिन एडिशन होगा ही होगा, और दूसरा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आती है बात की इसकी, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजनेशन होता है, सिन एडिशन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, ठीक है, तो फेवरेबल हो गए। अब बात हो रही है अगर एल्कीन भी, अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने वैलेंसीज छोड़ दी, ये क्या है? अगर ये चारों हाइड्रोजन है, अगर इसकी जगह एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन मिथाइल या कोई भी आर ग्रुप लगा दूं, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो पहले एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर मैं उसको जल्दी से बताता हूं, ठीक है? तो अब देखें इसमें, अब मैं अगर, ठीक है, देखो मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन को अगर कंपेयर करना है, और मेटल कैटलिस्ट तो सेम हो गया, हाइड्रोजन भी सेम होगा, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क हमें पड़ेगा कि हमारे पास एल्कीन कैसी है, ये क्या है हमारा। अगर मैं कंपेयर करूं, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास, ठीक है, एक इथीन है नॉर्मल, ठीक है, इसको मैंने दे दिया फर्स्ट, फिर मेरे पास CH3, CH3, CH3 और CH3, ठीक है, दो एल्कीन बना दिए, ठीक है, सिंपल कंपैरिजन। मैं बोल रहा हूँ दोनों का अगर मैं हाइड्रोजनेशन कराऊंगा तो किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, दोनों को हाइड्रोजनेशन कराने पे किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, तो कैसे कंपेयर करें? देखो अलग अलग रीज़न है, लेकिन पहले जो एक्चुअल रीज़न है मैं बता देता हूँ। ये जो मेटल का सरफेस है उसके ऊपर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब है, और वहीं पर क्या आएगी, हमारे पास एल्कीन आएगी, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं मेरे पास ये कोई यूनिट एरिया है, ठीक है, कोई यूनिट एरिया मेटल का ले लिया मैंने, तो उस मेटल के यूनिट एरिया पे, मतलब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वहां पर हाइड्रोजन भी आ रहा है और वहां पर क्या आ रही, एल्कीन भी आ रही है एक तरीके से, तो इस यूनिट एरिया में हाइड्रोजन के साथ साथ जितने एल्कीन उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, जितने एल्कीन उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, उतने ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब उतने नंबर ऑफ एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास कोई बड़ी सी एल्कीन आएगी, मतलब जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया कैसे ज्यादा है, जैसे इससे मुझे पता लग रहा है यहाँ पे तो दो छोटे छोटे हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए, यहाँ पे इधर मिथाइल 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 मिथाइल, तो ये थोड़ा सा कैसे हो गया, इसके कंपेरिजन में बल्की ग्रुप है, तो ये बल्की ग्रुप का क्या होगा, सर्फेस एरिया भी ज्यादा हो गया, इसका सर्फेस एरिया क्या होगा, कम होगा, हाइड्रोजन तो छोटे छोटे से एटम है, तो ये जब पूरी एल्कीन इस मेटल के सर्फेस पे आएगी हाइड्रोजनेशन के लिए, तो ये कितना बड़ा उस मेटल के सरफेस को क्या करेगी, कवर कर लेगी, यानी तो अगर उस यूनिट एरिया में नंबर ऑफ रिएक्टेंट ही अगर कम आ रहे हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, कम होगी, यानी तो जितना बल्कि हमारे पास एल्कीन होगी, या मैं से बोल सकता हूं जितनी बड़ी एल्कीन जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि अगर यूनिट एरिया की बात करूं उस मेटल की, क्योंकि एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन यहां से कहां से डिसाइड हो रही, कैटलिस्ट की वजह से, कि उसके यूनिट एरिया के ऊपर कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट आके एड्सॉर्ब हो रहे और वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यूनिट एरिया पे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर इथीन ली मैंने, वहां यहाँ आके 10 रिएक्ट कर रहे हैं इस यूनिट एरिया पे, और यहाँ आके 4 ही कर रहे हैं, तो वो 10 जल्दी कन्वर्ट होंगे और ये 4 कन्वर्ट तो दोनों साथ ही होंगे, लेकिन वो 10 हो जाएंगे एक बार में और ये 4 ही होंगे, तो ऑब्वियस ये बात है कि इथीन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरे तरीके से ऐसा नहीं देखना चाहते, तो आप ऐसा देख लो कि जो एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो रही है, जो एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन कन्वर्ट होगा, जो लेस स्टेबल होगा, कौन कन्वर्ट होगा, जो लेस स्टेबल होगा। तो दोनों में से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे उतने एल्कीन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होगी, तो ये एल्कीन में देखो कितने 12, 3, 6, 9 और 12 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये एल्केन के अंदर बहुत धीरे कन्वर्ट होगी एज कंपेयर टू दिस। रिजल्ट दोनों से सेम मिल रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा बल्कि, ठीक है, दूसरा ज्यादा स्टेबल है तो एल्केन में कन्वर्ट होने में भी इसको टाइम ज्यादा लगेगा, ये धीरे कन्वर्ट होगी, ठीक है। तीसरा स्टेरिक क्राउडिंग, या जो बल्किनेस में बोल रहा हूँ, स्टेरिक क्राउडिंग जितनी होगी उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, ये स्टेरिक क्राउडिंग। तो कैसे भी आप देख लो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तीनों ही तरीके से आप देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो एल्कीन कम क्राउडेड है, कम स्टेबल है, या जो सरफेस एरिया कम कवर कर रही है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमने लिखा, जो हाइड्रोजनेशन है या हाइड्रोजन H2 का एडिशन है, निकिल
प्लेटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंट में, वो एक तो पहला कि एससीएन एडिशन है, दूसरा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और तीसरी चीज इसमें ये लिख लेना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी एल्कीन उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग के अंदर ही, ठीक है, हमारा ये सरफेस एरिया वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा, ठीक है, कैसे भी आप देख सकते हो। तो इसको भी आप क्या करें, ध्यान रखें, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के कंपेयर वाले क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे कंपेयर करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एज वेल एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, ये पॉइंट, एक दो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, और इस पर कुछ क्वेश्चन देखें किस तरीके पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिख ले, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कुछ एल्कीन में दे रहा हूं और उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को हमें कंपेयर करना है। कि इसमें मैंने बहुत कुछ लिखवाया नहीं है तुम्हें इनकेस, ठीक है, तो एटलीस्ट ये तीन पॉइंट तो लिख लेना, और अगर तुम्हें रहा है कि मुझे बाद में समझने में दिक्कत हो तो लिख लेना एड्सॉर्प्शन फिनोमिना होता है इस पर, उस एड्सॉर्प्शन फिनोमिना की वजह से, ठीक है, जो गैस है वो इधर उधर मूव करती रहती है, वो स्टेबल हो जाती है और रिएक्टेड ईजिली रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लिख ले इसमें, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ गिवन एल्कीन टूवर्ड्स हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन करवाना है एल्कीन का, तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है। ठीक है, इनमें बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजनेशन करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से देख लो, ठीक है, ये स्टेरिक क्राउडिंग से कैसे भी देख लो। तो देखो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3, 6 और 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 3 और 2, 5, या 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्ट नहीं करना चाहेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी होगी, देख लो लेस क्राउडिंग भी है। इसी तरीके से यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें इधर क्या, एक ही हाइड्रोजन होगा, इधर दो होगा, तो टोटल कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ अगर बात करें हम 3, 6, 8 और 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल है, और यहाँ देखोगे तो कम स्टेबल भी हो, लेस क्राउडेड भी है, ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जीओसीस में भी करे थे, कैसा है ये, इस तरीके से ही है, ठीक है, दो इस तरीके से और ऊपर हमारे पास ये बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ देखना,
इधर तीन छ, ठीक है, और सात आठ, आठ यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ बात करें एक और दो, दो ही अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्राउडेड भी ज़्यादा है या लेस क्राउडेड है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको कॉपी कर ले एक बार। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करें, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो देखना वापस, बेंजीन में तो कॉन्जुगेशन है ही, फिर डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है ये पूरा कॉन्जुगेशन में है, जबकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये लेस स्टेबल है, जबकि ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, पहले टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। सेकंड टाइप के जो इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको देखते हैं, तो क्वेश्चन चेंज कर ले इसमें। राइट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमें इसके प्रोडक्ट बताना है, फर्स्ट ठीक है क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हमें इसमें बताना है। ठीक है, ये हमें रिएक्टेंट दे रखा है, हाइड्रोजनेशन कराना है, लेकिन इस बार हमें गिवन दे दे कि हाइड्रोजन जो है वो एक ही इक्विवेलेंट है और निकल मेटल दे दिया, मतलब हाइड्रोजनेशन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा नहीं। ठीक है, तो एक बार सोचिए आप क्या बन सकता है प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस मतलब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। एक इक्विवेलेंट मतलब, या एक मोल में बोल दूँ तो एक ही जगह, मतलब एक ही डबल बॉन्ड को ये क्या कर पाएगा, रिड्यूस कर पाएगा या उसकी जगह हाइड्रोजन लग पाएगा। अब यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे भी डबल है, तो कहाँ पर लगेगा ये हमें डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि एक ही हाइड्रोजन है तो वहाँ लगेगा जहाँ हाइड्रोजनेशन होने के बाद। ठीक है, प्रोडक्ट स्टेबल वाले, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एल्कीन में जो बात कर रहे थे, कहाँ पर एल्कीन पे हाइड्रोजनेशन होता है, या एल्कीन का, किस एल्कीन का हाइड्रोजनेशन जल्दी होगा, जहां पर वो एल्कीन लेस स्टेबल होगी। ठीक है, तो यहां देखें, ये डबल सिंगल डबल
ये तो है कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस में, और ये सिंगल, फिर सिंगल और फिर डबल। तो ये डबल जो बॉन्ड जो है ये किसी के साथ कॉन्जुगेशन में ही है, डबल बॉन्डेड नहीं है, लेकिन ये दोनों डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है, तो ये रेजोनेंस में होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कराना थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे पास ऐसा कोई कॉन्जुगेशन वाली कहानी नहीं है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजनेशन होगा वो इस डबल बॉन्ड पर होगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये लेस क्या है, स्टेबल है एज कंपेयर टू रिमेनिंग टू डबल बॉन्ड्स। इसमें कैसे कंपेयर करेंगे, इसमें ये पूरा, ठीक है, जीओसी में भी हम इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्या है 2, 4, 6, 8, और हर एक एटम, हर एक पेरिफेरी पे जो एटम है वो क्या है, sp2 है, तो ये एंटी एरोमेटिक है अभी, ठीक है, एंटी एरोमेटिक है, 8 pi इलेक्ट्रॉन्स है यानी, ठीक है, 4n pi इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो 8 pi इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक है। तो इस एंटी एरोमेटिसिटी को हम खत्म करने के लिए 1, 2, 3 इनकी जगह क्या कर ले, इसको कर ले ये, ठीक है, तो वहां पर ना करके किसी जो बाहर पाई बॉन्ड दे रहा उस डबल बॉन्ड को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, अब एंटी से क्या कन्वर्ट हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। ठीक है, एरोमेटिक नहीं बोल सकता, ये एरोमेटिक है लेकिन एक्चुअल ये पूरा पेरिफेरी काउंट होगा, तो अब ये sp3 हो गया, तो ये, ठीक है, एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हुआ। इसी तरीके से इसमें अगर हम देखें, इसमें हम देखें तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड पे देखें तो 3, 6, 8, 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखोगे तो 2 और 4 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, ये कम स्टेबल है, ठीक है, ये डबल पाई बॉन्ड कम है, तो यहाँ पर इसका हाइड्रोजनेशन होगा, तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको काफी मिल जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखें, इसमें इसको कॉपी कर ले जल्दी से, इसका प्रोडक्ट बनाइए क्या बनेगा, ठीक है, इसमें एक इक्विवेलेंट दे रखा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें देखना प्रोडक्ट आपने क्या बनाया होगा, कहीं पे भी लगा दो सर, एक ही तो बात है, ठीक है, या तो इधर करा दो या इधर करा दो, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपने बनाया होगा, तो ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया ये प्रोडक्ट नहीं बनता है इस केस के अंदर, क्यों नहीं बनता है, तो इसको समझना ध्यान से, यहाँ पर ये जो एल्कीन है, ठीक है, यही तो है, 1, 2, 3, 4 1, 2 पे डबल बॉन्ड, 1, 2 पे डबल बॉन्ड, फिर 3, 4 पे डबल बॉन्ड, 3, 4 पे डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको इस तरीके से बनाया। अब जो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजनेशन हो रहा है, उस हाइड्रोजनेशन के अंदर यहाँ पर मेरे पास जो, ठीक है, जो HH मॉलिक्यूल है, क्योंकि होता क्या है, होता तो सिन एडिशन ही है, मतलब सेम साइड से हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, तो सेम साइड से हाइड्रोजन जो ऐड हो रहा है, तो इसमें इसके साथ ये डबल बॉन्ड बन रहा होता है। ऐसे डबल बॉन्ड कैसे बन रहा है कि इसमें जो यहाँ पर कार ये डबल बॉन्ड है, इसका क्या होता है, होमोलाइटिक क्लेवेज होता है, तो इसका ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये होमोलाइटिक क्लेवेज हुआ, ऐसे ही ये होमोलाइटिक क्लेवेज हुआ, और ऐसे यहाँ पे भी तो क्या होगा, होमोलाइटिक क्लेवेज ही होता है अल्टीमेटली, तो
इस ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन और इसके साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और ये जो रिमेनिंग इसके फ्री रेडिकल एक एक कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे दोनों कार्बन पे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने पे, ऐसा बनाने पे एक्चुअल प्रोडक्ट बन क्या रहा है, इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हो गया, और ये जो होमोलाइटिक लेवल से एक एक इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन से इनमें आपस में बॉन्ड बनने से ये पाया। अब इन दोनों एल्कीन में से आप बताएं ज़्यादा स्टेबल कौन सी है, ठीक है, और ये कैसे बन रही है, ठीक है, इस केस में बोल सकता हूँ ये ट्रांस बन रही है, ठीक है, और इस केस में कैसे बन रही है, सिस टाइप बनेगी, ठीक है, ये सिस एल्कीन बनेगी, इसमें सिस एल्कीन क्यों बन रही है, क्योंकि सिन एडिशन हो रहा है, सेम साइड से एडिशन हो रहा है, और दूसरी बात यहाँ पर देखोगे तो तीन और तीन छः अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ देखोगे तो कितने हैं, दो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पर क्या है, छः अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। तो वो ऊपर जो आपने प्रोडक्ट बनाया नॉर्मली वो नहीं बनता इस केस में, ये प्रोडक्ट बनता है, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये TCP भी बोलते हैं इसको, ठीक है, TCP, ठीक है, याद आया होगा, अभी पिछले एक दो लेक्चर में मैंने बताया था ग्रिगनार्ड के अंदर, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये ऐसा सब काम क्यों कर रहा है, ऐसा सब काम इसलिए कर रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो फाइनली मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, नॉर्मली जो रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग या काइनेटिकली अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट हमें ज़्यादा स्टेबल बन रहा है नॉर्मल के अकॉर्डिंग, इसलिए हम इसको TCP बोल सकते हैं, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट भी है। ठीक है, थर्मोडाइनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब मोर स्टेबल प्रोडक्ट, और KCB काइनेटिकल कंट्रोल प्रोडक्ट का मतलब फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, कौन फास्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर TCP बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का इसमें क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो उस पर भी हम देख लेते कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, Which of the following reaction having optically active प्रोडक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, कैसे, तो एग्जाम्पल से देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, सी डबल बॉन्ड सी इसकी रिएक्शन हमने करा दी D2NI से, ठीक है, हाइड्रोजन ना यूज करके, ठीक है, इसका आइसोटोप ड्यूटेरियम यूज कर लिया, ठीक है, इसका चाहे तो प्रोडक्ट बनाए, और प्रोडक्ट कैसे बनाना, ठीक है, वही बताया था, नॉर्मल प्रोडक्ट ना बनाए, जैसे तो क्या होगा, सिस होगा, ठीक है, तो दोनों सेम साइड से डी ऐड होंगे, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको किसमें बनाना, फिशर प्रोजेक्शन में बनाना, ठीक है, प्रोडक्ट किसमें बनाना, फिशर प्रोजेक्शन में बनाना, फिर वेरीफाई करना कि सही बनाए नहीं बनाए, ठीक है, सेम काम इसमें करना है, एक में D2 ऐड कर दिया मैंने और एक में क्या ऐड कर दिया, H2। चलो फर्स्ट वाला देखे पहले इसमें, देखो हमें पता है जो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन होता है, ठीक है, H2 या D2 का एडिशन होगा मेटल के प्रेजेंस पे, सिन एडिशन होता है, मतलब सेम साइड से होगा, मतलब जहां पे भी होगा सेम साइड दिखेगा,
तो मुझे क्या बनाना है, फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। तो देखना, एक दो तीन चार डबल बॉन्ड हट जाएगा और इनकी जगह क्या आ जाएगा, डी डी आ जाएगा। वो जो दोनों डी वो एक साइड दिखने चाहिए। तो देखना मैं ऐसे बना रहा हूँ इसको, सी एस थ्री सी एस थ्री, ठीक है, दोनों डी एक साइड होने चाहिए। तो एच डी, और यहाँ पे भी डी लगा दिया, यहाँ पे भी डी। देखो ये सी एस थ्री सी एस थ्री, ये टॉप और बॉटम हो गए। ये दो कार्बन जो डबल बॉन्डेड थे उस पर एक तो हाइड्रोजन लगा, दूसरा क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। और दोनों डी का आना चाहिए सेम साइड, क्योंकि कैसा होता है, सिन एडिशन होता है, ठीक है, सिन एडिशन होता है, तो दोनों सेम साइड आ गए। यानी अब देखिए इसमें ये पूछा है कि जो प्रोडक्ट बना वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं होगा। तो ये प्रोडक्ट में खास बात क्या है वो देख ले। प्रोडक्ट में पहले बात करें तो ये वाला जो कार्बन, ये कैसा है, कायरल है। ये वाला कार्बन भी कैसा है, कायरल है, ठीक है। इसके भी डी सी एस थ्री एच पूरा ग्रुप अलग कायरल, डी एच सी एस थ्री अलग पूरा ग्रुप अलग, ये भी कायरल, दोनों कायरल ग्रुप है। क्या इसके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट है, ठीक है, तो सिमेट्री आपको दिख रही है यहाँ पर, यहाँ पर ये क्या है, पी ओ एस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। कम से कम दो कायरल सेंटर और एक सिमेट्री एलिमेंट पी ओ एस, तो कैसा कंपाउंड हो गया ये, मीजो, ठीक है, कैसा कंपाउंड है ये, मीजो है। और जो मीजो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, नहीं, किस वजह से, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। अगर इसका आर होगा तो इसका एस होगा अपने आप, क्योंकि इसकी मिरर इमेज हो गई है, तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये, ठीक है। ठीक है, चाहो तो लिख लेना, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इसी तरीके से इसके प्रोडक्ट आप बनाए, ध्यान रखना इसमें, ठीक है, चलो आप बना लो फिर चेक कर लेना, ठीक है। जिन लोगों ने बना लिया हो तो अब देखना प्रोडक्ट इसका, ठीक है, सी एस थ्री कैसे बना दो, ठीक है, वहां से बनाओ, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता। सी एस थ्री कार्बन कार्बन और सी टू एच फाइव, तो मैंने ऐसे बनाया सी एस थ्री कार्बन कार्बन सी टू एच, इन दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड है, उधर ध्यान से देखोगे तो ये क्या एल्कीन है ना, इसमें ये जो डी है और ये जो डी है अपोजिट है ट्रांस फॉर्म में। यहां पे सी एस थ्री सी एस थ्री एच एच को देखोगे तो कहां दिख रहा था, सिस फॉर्म में। तो ये सिस फॉर्म में, तो देखना यहां पे भी हाइड्रोजन सिस फॉर्म में, तो अगर इधर डी ट्रांस फॉर्म में है तो इधर प्रोडक्ट में भी क्या होगा, ट्रांस होगा, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। हाँ, अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड से कैसे आएंगे, तो ये तो प्लेनर है बेटा, प्लेनर है, तो दोनों हाइड्रोजन, जब दोनों हाइड्रोजन ऐसे आएंगे और ये जो sp2 कार्बन है डबल बॉन्डेड, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, sp3 में। तो अब sp3 में होने के बाद तो रोटेट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस केस में ध्यान रखना जब दोनों हाइड्रोजन आ रहे वो होंगे तो सी सी, लेकिन अब रोटेट होने पे क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, हमारे पास जो ओरिजिनल डी ट्रांसफॉर्म में था, यानी भाई ये इस तरीके से, यहाँ पे D इधर है और D इस साइड है, यानी ये ऐसे बोल दो D इधर है और इसके अपोजिट D इधर है, ऊपर से दोनों हाइड्रोजन आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ गया उससे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर मैंने D इधर बनाया तो इसका D इधर ट्रांस दिखना चाहिए मुझे, D D ट्रांस दिखना चाहिए, तो D और D ट्रांस बनाए। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, ये इधर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, आ रही बात समझ में, मतलब 3D के अंदर आप चेक करोगे तो प्लेनर है, ठीक है, जहाँ डी एक आगे और एक डी पीछे, उसको ऊपर से हाइड्रोजन सेम साइड से आए या नीचे से आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस प्रोडक्ट में खास बात क्या है, प्रोडक्ट में खास बात यह है कि कायरल सेंटर तो आपको दिख ही रहोगे, ठीक है, तो कायरल सेंटर आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे, एच डी सी एस थ्री अलग नीचे ग्रुप अलग, तो ये भी कायरल सेंटर है, एच डी सी टू एच फाइव, तो ये भी कायरल सेंटर है। क्या इसमें कोई पी ओ एस है, तो कोई पी ओ एस इसमें तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कोई पी ओ एस इसमें नहीं है। अगर पी ओ एस इसमें नहीं है तो क्या इसकी मिरर इमेज बन सकती है, तो इसकी मिरर इमेज जरूर बन सकती है, नहीं, ठीक, ऑब्वियस ही बात है, अगर इसमें कोई पी ओ एस नहीं तो मिरर इमेज बन जाएगी, और मिरर इमेज बन जाएगी तो ये सी एस थ्री, तो यहाँ पर आ जाएगा H, D, यहाँ पे H, ये D और ये C2H5,
क्या बन जाएगा इसमें, ये एनेंशियोमरिक पेयर बन गया यहाँ पे, क्या बन गया, एनेंशियोमरिक पेयर बन गया या रेसिमिक मिक्सचर बन गया। अब कई बार बच्चे में से पूछते हैं कि सर हर बार ये ऐसा होगा, ठीक है हर बार ऐसा होगा नहीं होगा, मैं कहता हूँ प्रैक्टिकली बेटा पता लगेगा, लेकिन हाँ अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे रखा है और उसमें एनेंशियोमरिक पेयर बन रहा है और वो बोलते ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, तब आप उसको क्या बोलोगे, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलोगे। क्यों बोलोगे, क्योंकि उसमें दोनों बन रहे हैं। तो एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि आपको ये पता लग रहा है कि इसमें एनेंशियोमर बन रहा है नहीं बन रहा, और अगर एनेंशियोमरिक पेयर बन रहा है तो इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा उसका बिल्कुल अपोजिट इसका होगा, ठीक है। अगर ये आर आर है तो वो एस एस होगा, ये आर एस है तो वो एस आर होगा, ये एस आर है तो वो आर एस होगा, ये एस एस है तो वो आर आर, ठीक है बिल्कुल मिरर इमेज का मतलब ये समझ में आता होगा, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ओवरऑल जो हमारा सॉल्यूशन जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो की वजह से था, मीजो कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, और एनेंशियोमरिक पेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एनेंशियोमर बन रहा है, ठीक है एनेंशियोमर बन रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये भी, ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है इंटरनल कंपनसेशन की वजह से क्योंकि मीज हुए, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि एनेंशियोमर बन रहे हैं, एनेंशियोमरिक पेयर बन रहा है, दैट मींस रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हाइड्रोजनेशन में काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इनको कॉपी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस और देता हूँ मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप खुद से ट्राई करना इस पर। दोनों में सेम यही करना है, D2NI से करा दी एक बार, H2NI से करा दी, ये रिएक्शन करवा दी और आपको इसमें प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है फर्स्ट प्रोडक्ट आपने बनाया होगा इसमें, ठीक है सिन मतलब या तो दोनों डी नीचे से ऐड होंगे या ऊपर से ऐड होंगे, कैसे बना लो, ठीक है। तो एच मैंने मान लिया डी नीचे से ऐड हो रहे, तो ये डी, ठीक है। फिर से इसमें देखें तो ये क्या आ गया, पीओएस आ गया, पीओएस आ गया, कंपाउंड कैसा बना मेरा, मीजो बन गया। मीजो कैसे बना, यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, एच डी इधर अलग है और इधर अलग कार्बन, तो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ठीक है। और इसके अंदर एक पीओएस भी आ गया, ठीक है। तो कैसा हो गया, मीजो आ गया, मीजो आ गया, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इसी तरीके से यहां पे प्रोडक्ट बनाए, इधर हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहां तो देखना एक दो तीन और एक हाइड्रोजन होगा, इधर एक दो तीन और एक मिथाइल है, तो इधर जब मैं ऐड करूंगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट दिखाने के लिए, ठीक है, इस तरीके से बना दे रहा हूं मैं टेढ़ा करके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक H जो पहले से था वो, और एक H ऐड जो हुआ, ठीक है, और बेटर, ठीक है, इसमें H2 की जगह मैं D2 कर लेता हूँ, ठीक है, H2 की जगह इसको हम,
ठीक है, डी टू कर लिया तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, ये अदरवाइज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बनेगा ये, ठीक है, ये डी कर लिया मैंने तो यहाँ पे भी डी ऐड होगा और ऊपर क्या हो गया ये सी एस थ्री हो गया, क्लियर है। सी एस थ्री ठीक है, कैसे मान लो, या तो डी को दोनों ऊपर बना देते, ऊपर से ऐड होता है नीचे से ऐड होता, दोनों को डी को नीचे से बना दिया कोई फर्क नहीं पड़ा, डी एच टू की जगह डी को लगाया मैंने, अगर यहाँ एच लगा देता तो ये ऑप्टिकली ये कायरल सेंटर नहीं बनता, अब कायरल सेंटर बन गया, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी क्या है कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, क्या इसमें कोई पी ओ एस है या सी ओ एस है, ठीक है, तो ना ही इसमें कोई पी ओ एस है ना ही इसमें कोई सी ओ एस है, तो ये कैसा होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑब्वियस ही बात है इसकी क्या बनेगी मिरर इमेज भी बनेगी, ठीक है, तो मैं बना ले रहा हूँ, बना खुद से लेना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या बनेगा, यहाँ पे एनेंशियोमर्स बनेंगे, एनेंशियोमर्स इसका मतलब क्या हो सकता है, एनेंशियोमर बन रहे तो रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन फिर वापस से, ठीक है, आइसोमर और स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर की एप्लीकेशन हर जगह आपको देखने को मिलेगी और इस तरह के क्वेश्चन इसमें काफ़ी पूछे भी जाते हैं, ठीक है, थीके? तो एक बार इसको कॉपी कर लें, हाइड्रोजनेशन हम पढ़ रहे थे और हाइड्रोजनेशन में एल्कीन के बाद हम बात करते हैं एल्काइन की, ठीक है, तो जैसे एल्कीन में भी क्या पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर वहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है सिस क्या सॉरी जिसमें सिन एडिशन होता है, तो उसी तरीके से एल्काइन का भी हाइड्रोजनेशन हो जाता है मेटल की प्रेजेंस में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा R1C ट्रिपल बॉन्ड CR2, इसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन के साथ करा दी निकल के साथ, तो यहां पर इसका पहले रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन ई की डायरेक्शन में क्यों बनाए, क्योंकि सिन एडिशन होता है, ठीक है, तो R1 R2 एक साइड लिख दिया और H और H एक साइड से सिन एडिशन फर्दर, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोबारा कराना है, आपने हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रख दिया यानी निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करा दिया एल्काइन का, तो अपने आप एल्काइन से एल्कीन कन्वर्ट होते होते ये क्या करेगा, एल्केन में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस रिएक्शन को बीच में रोक सकते हो एल्काइन तक, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा एल्केन तक कन्वर्ट हो जाता है, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराएंगे मेटल के प्रेजेंस में तो एल्केन बनेगा, ठीक है, सिन एडिशन होता है, उसी तरीके से एल्काइन का अगर हम क्या कराएंगे हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो भी एल्केन ही बनेगा, एल्कीन बीच में बनेगा लेकिन वो फास्ट, ठीक है, क्योंकि एल्केन और उसके बाद एल्कीन और एल्कीन से डायरेक्ट क्या कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस रिएक्शन को हम बीच में रोक नहीं सकते, एल्काइन लोगे तो भी एल्केन में कन्वर्ट होगा और एल्कीन लोगे तो भी एल्केन में कन्वर्ट होना ही है। दूसरी बात, एल्काइन और एल्कीन, ठीक है, अगर मैं एल्कीन से एल्केन बना रहा हूँ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन कर रहा हूँ और एक बार एल्काइन से एल्केन बना रहा हूँ, ठीक है, एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कर रहा हूँ तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, तो एल्काइन का, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, ये कैसा होगा एसपी कार्बन है लीनियर होगा और ये sp2 कार्बन है तो, ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर टाइप होता है स्ट्रक्चर, तो इसका सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होगा तो मेटल के यूनिट एरिया पे जब ये जाएगा तो कम एरिया को कवर करेगा और कम एरिया कवर करेगा तो एल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्कीन हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है, तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना, पहली चीज तो इसमें भी सिन एडिशन होता ही है, ठीक है, सेम जैसे एल्केन में होता है, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं कंपेयर कर दूं एल्कीन और एल्काइन में तो एल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है एल्कीन से, ठीक है, और रीजन क्या है, ड्यू टू लेस सरफेस एरिया, अगर मेरे पास एक इक्विवेलेंट दे दिया हो एल्काइन और एक इक्विवेलेंट दे दिया हो एल्कीन,
तो रेट ऑफ रिडक्शन या सॉरी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा होगी, एल्काइन की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस भी मैं देख अभी देख लेंगे हम। दूसरी बात इसमें कि एल्काइन से एल्कीन अगर हमको रोकना है तो इस रिएजेंट के प्रेजेंस मतलब H2Ni के प्रेजेंस में कभी भी एल्काइन से एल्कीन नहीं बना सकते यानी। ठीक है, तो वो देखेंगे कैसे बनाते हैं। पहले हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं, फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मेरे पास एच सी ट्रिपल बॉन्ड एच और सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, ठीक है, दोनों में से किसकी ज़्यादा रेट होगी वो आपको बताना है। ठीक है, और ठीक है, एक क्वेश्चन सिंपल ऐसे लिख लेते हैं और एक क्वेश्चन जो एल्कीन में भी हमने करा था। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो एल्काइन की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी। और एक क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। इस केस में अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ठीक है तो इसका प्रोडक्ट बनाए, तो यहां पे मेरे पास इसी के अंदर एक इक्विवेलेंट वापस लिया मैंने, इसके अंदर मेरे पास एल्कीन भी है और एल्काइन भी है, तो हाइड्रोजनेशन किसका होगा? ठीक है, एक इक्विवेलेंट लिया है तो इसका ही हाइड्रोजनेशन होगा, उसका हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट दे रखा है तो मैंने एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करा, डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट नहीं करा। ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर ले, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसमें। फिर से अगर मैंने हाइड्रोजनेश ले लिया, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे नॉन कॉन्जुगेटेड है और यहाँ पे डबल सिंगल फिर ट्रिपल, मतलब पाई बॉन्ड तो इधर भी है, मतलब कॉन्जुगेशन का पार्ट है, तो भी अच्छा, इसमें इसको इस तरीके से को चेंज कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, कॉन्जुगेटेड का पार्ट है, इधर नॉन कॉन्जुगेटेड था, इधर कॉन्जुगेटेड है, तो भी जहां पर एल्काइन है, ठीक है, जहां पर एल्काइन है उसी का क्या होगा, हाइड्रोजनेशन होगा, क्योंकि क्योंकि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है ज्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कभी एल्कीन और एल्काइन में कंपैरिजन की बात आ जाए, ठीक है, एल्कीन और एल्काइन में कंपैरिजन की बात आ जाए तो एल्काइन के रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, तो एल्काइन ही हमेशा क्या होएगा, रिड्यूस होगा, उसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। यानी अब आते हैं इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर कि अगर मेरे को एल्काइन से एल्कीन बनानी है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेगा, एल्काइन से एल्कीन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, ठीक है, तो मेटल के प्रेजेंस में जो एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को काफ़ी बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया, जो एक्सपोज सरफेस एरिया होता है मेटल का, ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोजन और एल्कीन दोनों आके क्या होते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं, और एड्जॉर्प्शन के बाद उनमें रेट ऑफ रिएक्शन बहुत बढ़ जाती है। तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए हम क्या है, कन्वर्जन ऑफ
एल्काइन टू एल्कीन। ठीक है, अब एल्काइन से एल्कीन कन्वर्ट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मेरे को बनाना है एल्काइन टू सिस एल्कीन, और एक मेरे को बनाना है एल्काइन टू ट्रांस एल्कीन। ठीक है, दोनों एल्कीन बना सकते हैं, एल्काइन से सिस एल्कीन भी बना सकते हैं और एक ट्रांस एल्कीन भी बना। तो मैं पहले बात करने वाला हूँ सिस एल्कीन की। ठीक है, तो अगर मुझे सिस एल्कीन करवाना है तो मेरे को यहां पर, ठीक है, रोजन मुंड कैटलिस्ट लेना पड़ेगा और दूसरा होता है एक लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट। ठीक है, LINDLARS, लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट और रोजनमंड कैटलिस्ट। इसको रोजनमंड रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या रिडक्शन ही। तो रोजनमंड कैटलिस्ट क्या है, ये कुछ नहीं है, वापस एडिशन हम हाइड्रोजन का ही करवा रहे हैं। ठीक है, मेटल पैलेडियम हमने पढ़ा, ये निकिल प्लेटिनम पैलेडियम। ठीक है, तो इसमें पैलेडियम साथ में इसके साथ बेरियम सल्फेट हम यूज कर ले रहे हैं, यानी बस नॉर्मल हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन प्लस मेटल होता है, यहाँ पर हमने एक सॉल्ट भी यूज कर लिया। यानी इसी तरीके से लिंडलार कैटलिस्ट के अंदर हाइड्रोजन पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट हम यूज कर ले रहे हैं, मतलब दोनों नॉर्मल हाइड्रोजनेशन और इस वाले हाइड्रोजनेशन में जिसमें एल्काइन से एल्कीन को कन्वर्ट करना है। तो उस दोनों में फर्क क्या है कि एक्स्ट्रा हमने क्या करा दोनों कैटलिस्ट के अंदर, ठीक है, एक में बेरियम सल्फेट यूज कर लिया, ये भी एक सॉल्ट है, आयोनिक सॉल्ट है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट भी कैल्शियम प्लस टू सी ओ थ्री कार्बोनेट, ठीक है, सी ओ थ्री माइनस टू ये भी एक सॉल्ट है। तो हमने सॉल्ट यूज कर लिया, तो बस बेरियम सल्फेट वाले को हम रोजनमंड कैटलिस्ट बोल देते हैं और लिंडलार कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया तो उसको हम लिंडलार कैटलिस्ट बोल देते हैं। इस रोजनमंड कैटलिस्ट मतलब इस रिएजेंट को, ठीक है, यूज करके, इसको यूज करके जो हम रिडक्शन कराते हैं उसको रोजनमंड रिडक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना रोजनमंड कैटलिस्ट या रोजनमंड रिडक्शन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, दोनों की खास बात क्या है, जो मैंने बोला है क्या सिस एल्कीन बनती है। सिस एल्कीन कब बनेगी, जब उसके अंदर क्या होगा सिन एडिशन होगा, यानी ठीक है सिन एडिशन होगा नॉर्मल, मतलब सिन एडिशन का मतलब जो अभी तक हम करवा रहे थे एल्काइन टू एल्कीन, मतलब एल्कीन से एल्कीन बना रहे थे जैसे, वैसे ही एल्काइन से एल्कीन बनाएंगे सिन एडिशन में। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए इसको अगर हम समझे, ठीक है, तो अगर मेरे पास जैसे दे दिया आर वन सी ट्रिपल बॉन्ड आर टू, इसमें हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट मैंने ले लिया, इसी तरीके से आर वन सी ट्रिपल बॉन्ड आर टू और हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन लिया पैलेडियम के प्रेजेंस में और कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, इस केस में ट्रिपल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में, और R1, R2 और यहाँ पर H और यहाँ पर भी H। सिमिलरली यहाँ पर भी देखोगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर R1, R2, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। दोनों में क्या बने, यहाँ पे भी सिस फॉर्म बना है और यहाँ पे भी क्या बना है सिस फॉर्म बना है, जो मैंने बोला था सिस एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि सॉल्ट नहीं होते तो भी क्या बनता है सिस फॉर्म ही बनता है। नहीं, अब ये बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट लेने से फर्क क्या पड़ गया, नहीं ऐसा क्या हो गया कि अब ये एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो अब समझना इसको, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे मान लिया कि ये मेरा पैलेडियम का मेटल है ना। पैलेडियम के मेटल के अंदर हमें पता है कि यहां पे मैंने क्या लिया है रोजनमंड कैटलिस्ट के अंदर, ये रोजनमंड जो रिडक्शन करा रहा है उसमें बेरियम सल्फेट ले लिया, तो बेरियम जो सल्फेट है, ठीक है, तो बेरियम सल्फेट हमें पता है कैसा होता है, आयोनिक होता है, तो बेरियम प्लस टू और प्लस सल्फेट माइनस टू में आयोनाइज हो जाएगा। सिमिलरली जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या करेगा, कैल्शियम
प्लस टू, और सल्फेट माइनस टू के अंदर क्या हो जाता है लिंडलार के केस में, मतलब दोनों का रोल सेम ही, यहाँ पे कैल्शियम प्लस टू और CO3 माइनस टू में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब ये जो मेरे पास मेटल है पैलेडियम का, ठीक है ठीक है, ये मेटल है पैलेडियम का, ये एक्सपोज सरफेस है जिसके ऊपर आके हमारे पास हाइड्रोजन क्या होता है एड्सॉर्ब होता है, एल्केन आके एड्सॉर्ब होता है और दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। तो इनकी जो ये एड्सॉर्प्शन जो हो रही है इनकी साइड्स पे, अगर इन साइड्स को, क्योंकि ये कैसे आयोनिक, ठीक है आयोनिक हमारे पास कंपाउंड है, तो ये क्या करते हैं इसकी सरफेस पे आके, इसकी सरफेस पे आके जो एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट्स मतलब जहां जहां पे वो ऐड हो रहा है उनकी जगह बहुत सारे क्या होते हैं ये सॉल्ट्स ऐड हो जाते हैं, यानी बेरियम प्लस टू सल्फेट माइनस टू, इस तरीके से इनको क्या करते उन जो साइट्स है, साइट्स का मतलब जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आके हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा था और फिर एल्कीन आके उनके साथ रिएक्शन कर रहा था, वैसे एल्केन आके भी रिएक्शन करते, तो उनकी जगह पे ये क्या होते सॉल्ट्स आके उन एक्टिव साइट्स पे क्या करते डिपॉजिट होते या वहां पर आके इकट्ठा हो जाते। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 100 पेयर आ सकते थे या 100 मॉलिक्यूल H2 के आके यहाँ पर क्या कर सकते थे रिएक्ट कर सकते थे इस यूनिट एरिया पे, तो अब मान लिया मैंने कितने कर पा रहे 50 कर पा रहे, यानी तो एल्काइन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है क्योंकि एल्काइन हाईली रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू एल्कीन, तो एल्काइन तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है लेकिन एल्कीन की रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइन के कंपेरिजन में कम हो जाती है, इसलिए वो यहाँ पर क्या होता है इस पॉइजन करवाने की वजह से, ठीक है क्या मतलब होता है उसको बताऊंगा अभी, ठीक है। यहां पर जो एक्टिव साइट से उसको सॉल्ट क्या कर लेते ऑक्यूपाई कर लेते और फर्दर उनका रिडक्शन इतना इजिली नहीं हो पाता है। अभी पिछले केस में हम क्या कर रहे थे, पिछले केस में मतलब अगर मैंने यहां पर बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लिया तो क्या हो रहा था यहां पर इस तरह का कोई आयोनिक कंपाउंड होके इस पर कोई स्टिक नहीं कर रहा था, एक्टिव साइड को ब्लॉक नहीं कर रहा था, तो वहां पर क्या होता था बहुत सारी हाइड्रोजन आके उस पर क्या एड्सॉर्ब हो जा रही थी और जैसे एल्काइन, ठीक है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता था और तो हाथों हाथ ही क्या होता था एल्कीन भी किस में एल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा था। लेकिन अब मैंने क्या करा पॉइजन कैटलिस्ट, पॉइजन कैटलिस्ट का मतलब है वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे कम कर दे, यानी ठीक है मैंने बोला था पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं, तो ये वही काम कर रहे हैं बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के ऐड हो जाने से, बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के ऐड हो जाने से रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस कर दे रहे, स्लो कर दे रहे। मैंने बोला था ना एल्काइन से एल्कीन कन्वर्ट होगा, एल्कीन पे रोकना मुश्किल होता है, तो रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना पड़ेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन को कम कैसे करा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट क्या कर रहा है जो एक्सपोज मेटल का सरफेस था जिस पे एक्टिव साइट्स थी, एक्टिव साइट्स मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन थे जिनसे हाइड्रोजन आके स्टिक कर रहा था, एड्सॉर्प्शन हो रहा था हाइड्रोजन का आगे और फर्दर रिएक्शन हो रही थी, वो एक्टिव नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स को क्या कर देता है ये कम कर देता है, तो ऑब्वियसली बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये रीजन है और पॉइजन की बोलते हैं ये फिर से सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है पॉइजन प्रमोटर, ठीक है कैटलिस्ट, इसके बारे में हम सरफेस केमिस्ट्री में भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐसा डाउट रहता है तो आप और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइजन का काम करते हैं, ठीक है एक प्रमोटर होता है जो और, ठीक है एक होता है कैटलिस्ट के साथ प्रमोटर हम यूज करते हैं जो क्या करता है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को और ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है एक्टिविटी को और बढ़ा देता है। यहाँ पे पॉइजन का काम करते हैं मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ हाइड्रोजन ले लूँ तो रिएक्शन वैसे भी नहीं हो रही, ये इसलिए लेना पड़ा क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे रहा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को इसके बिना हो भी नहीं रही है और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ी स्लो भी करनी है तो मेरे को यहाँ पे सॉल्ट लेना पड़ा है, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक ठीक काम है यूज है वही मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मेरे को एल्काइन से एल्कीन कन्वर्ट करनी हो, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करनी है जिसमें सिन एडिशन होता है, तो मेरे को रोजेनबंड रिडक्शन या रोजेनबंड कैटलिस्ट या लिंडलार कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा जिसमें एज यूजुअल काम करता है, बस सॉल्ट क्या कर देता है एक्टिव नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स को कम कर देता है, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर ले आप। अब आते अगर मुझे ठीक है कन्वर्जन ऑफ एल्काइन टू एल्कीन है, अब मुझे एल्काइन से क्या करना है ट्रांस एल्कीन बनाना है, ठीक है ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए मेरे पास सिन एडिशन की जगह क्या एंटी एडिशन करवाना पड़ेगा। तो ये कैसे कराएंगे उसको आप देखें, ठीक है जो ये मैंने लिखा है यहाँ पे रोजेनबंड कैटलिस्ट, इसको रोजेनबंड रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ठीके? तो कन्फ्यूज मत होना, कैटलिस्ट जो यूज कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग उस रिडक्शन का भी हमने क्या करा नाम दे दिया। तो अब मुझे क्या बनाना है एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनानी है, ठीक है
तब कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें एल्काइन टू ट्रांस एल्कीन बनाने। इस रिडक्शन को हम बोलते हैं बी आई आर सी एच, बर्च रिडक्शन। और बर्च रिडक्शन क्या करता है, यहां पर एंटी एडिशन होता है, रोजनमंड रिडक्शन में सिन एडिशन होता है और बर्च रिडक्शन के अंदर एंटी एडिशन होता है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये मेरे पास एल्काइन सेम अभी ली थी, इसका मैंने क्या करा, सॉरी, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने क्या करी, एन ए मेटल की रिएक्शन करा देते अमोनिया के प्रेजेंस में। तो यहां पर जो एल्कीन मिलेगी ये आर वन आर टू एच और एच, और ये क्या मिलेगी मुझे, ट्रांस एल्कीन मिलेगी। नहीं, और रोजनमंड में मुझे क्या मिल रही थी, सिस एल्कीन मिल रही थी, यहां पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, दिख रहा है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, बस क्योंकि रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो मैंने रिडक्शन के साथ एक साथ बता दिया ताकि इनको याद रखना और समझने में आसान हो। अगर मुझे सिस एल्कीन बनानी है तब मैं रोजनमंड रिडक्शन, जो नॉर्मली क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन, ये कोई हाइड्रोजनेशन नहीं है। ठीक है, ये हाँ है रिडक्शन, ये भी उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भी रिडक्शन है, लेकिन ये कोई हाइड्रोजनेशन नहीं है, सोडियम की रिएक्शन करा दे रहे अमोनिया में, हाइड्रोजनेशन जो हो रहा था। ठीक है, हाइड्रोजनेशन जो, ये जो रिएक्शन होती है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होती है, जबकि जो हाइड्रोजनेशन होता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं होती, वो मेटल सरफेस के ऊपर हो रही है। नहीं, ठीक है, मेटल सरफेस के ऊपर गैसेस आके क्या हो रही है, एड्सॉर्ब हो रही है, जबकि ये जो रिएक्शन हो रही है अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में होती है। एस ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लिक्विड अमोनिया आपने पढ़ा होगा, उसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी हम यूज करते हैं। तो ये वहां पे कहीं कभी नाम सुना होगा एनसीईआरटी में या कहीं मॉड्यूल के अंदर, बर्च रिडक्शन। ठीक है, तो ये बर्च रिडक्शन वही है। तो कैसे होता है इसका देखें मैकेनिज्म समझते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एल्काइन है, जो एल्काइन है, जो इसमें मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है और दो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, सोडियम मेटल लूज कर देता है। और फिर इसके अंदर, ठीक है, फिर इसके अंदर क्या है, एल्काइन रिएक्ट करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन लूज करे उसके साथ इसकी रिएक्शन होती है। पाई बॉन्ड, ठीक है, वीक होता है, तो यहां पर क्या होता है, एक होमोलाइटिक क्लेवेज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेता है, ए इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेता है, और किसी भी एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आके क्या करता है, अटैक करता है इस तरीके से। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा हमें, ठीक है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिलता है आर वन सी, या इसको इस तरीके से लिखे तो बेटर और समझ में आएगा आपको। ठीक है, सी, देखो ये बॉन्ड तो टूट गया, तो क्या बचेगा, डबल बॉन्ड। अब इसके ऊपर भी एक फ्री रेडिकल आ गया, इसके ऊपर भी एक फ्री रेडिकल आ गया, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और आया, तो फ्री रेडिकल से ये क्या हुआ, एनायन बन गया, उसके ऊपर क्या बन गया, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये है इसमें दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके नेगेटिव चार्ज को मैं ऐसे दिखा देता हूँ इस येलो वाले चौक से। यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के ऊपर तो एक ही है, तो इसको मैंने एक, ठीक है, दो डॉट लगाए, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे एक अकेला इलेक्ट्रॉन है इस वाले कार्बन पे, इसके अपोजिट यहाँ पर R1 और इसके अपोजिट यहाँ पे R2। ये क्या हो गया, क्या बना है, कैसे बना है, समझ ले इसको। ठीक है, देखो तीन बॉन्ड थे, उसमें से दो पाई एक सिग्मा थे,
तो एक होमोलाइटिक क्लेवेज हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, उसमें से किसी एक कार्बन पे ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन लूज करा वो इलेक्ट्रॉन उसने क्या करा, एक्सेप्ट करा। तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, ये आयन है और ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो दोनों है कैसे, नेगेटिवली चार्ज है। अगर ये दोनों में सेम डायरेक्शन में बनाता तो ये क्या करता, रिपेल करता है नहीं, ठीक है, हाईली अनस्टेबल होता। तो ये क्योंकि अब पहले ये sp था लीनियर, अब कैसा हो गया, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। तो ये जो इन दोनों फ्री रेडिकल और एनाइन की जो पोजीशन होती है अपोजिट इसलिए होती है क्योंकि ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसलिए मैंने सेम डायरेक्शन में नहीं बनाया, किसमें बनाया, अपोजिट डायरेक्शन में बनाया। आ रही बात समझ में? तो फ्री रेडिकल्स के साथ इलेक्ट्रॉन के रिएक्ट करने से जो आयन बन रहा है वो और फ्री रेडिकल खुद एक दूसरे से अपोजिट पोजिशन एक्वायर कर लेते हैं ताकि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। इसके बाद जो हमारे पास अमोनिया है उससे इसकी रिएक्शन हमने करा दी, तो अमोनिया में से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एच प्लस के फॉर्म में, और ये क्या रह जाएगा, NH2-। तो यहाँ से ही जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर लग जाएगा हाइड्रोजन, ये है R2, ये है R1 और ये फ्री रेडिकल, ठीक है, और प्लस यहाँ पर NH2-, यहाँ से H प्लस ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, H प्लस यहाँ से ले लेगा NH2-, और यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन, ये रहेगा फ्री रेडिकल। इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं आयन रेडिकल इंटरमीडिएट, ठीक है, आयन रेडिकल इंटरमीडिएट की वजह से ये ट्रांसपोजिशन में चले जाते। फिर ये फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, एक और, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लूज करे थे तो एक इलेक्ट्रॉन तो अभी ले लिया इसने, फिर उसका क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ एक तरीके से, फिर एक इलेक्ट्रॉन जो और बचा है उसके साथ ये एक इलेक्ट्रॉन और रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो सी डबल बॉन्ड सी एच R2, यहाँ पे R1, और अब यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया, पेयर आ गया, और इस पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। फिर यहाँ से एक अमोनिया के साथ फिर से इसकी रिएक्शन होगी, और अमोनिया के साथ फिर से रिएक्शन होगी तो इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो यहाँ से देखना C डबल बॉन्ड C और H R2, ये हो गया R1 और ये हो गया H, और ये क्या बना, ट्रांस एल्कीन बना मेरे पास। आ रही बात समझ में? तो ये मैकेनिज्म है किसका, बर्च रिडक्शन का। बर्च रिडक्शन से हमें ट्रांस एल्कीन मिलेगी, जबकि रोजनमंड रिडक्शन या लिंडलर कैटलिस्ट हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, सिन या ट्रांस सॉरी सिस एल्कीन मिलेगी। वहां पर सिन एडिशन होता है, यहां पर क्या होता है, एंटी एडिशन होता है, अपोजिट साइड से हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें आयन रेडिकल एक इंटरमीडिएट बनता है नहीं, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है सॉल्यूशन में होती है, जबकि जो रोजनमंड की रिएक्शन होती है वो सरफेस मेटल के सरफेस पे होती है नहीं, ठीक है। तो इसको एक बार आप कॉपी कर लेने। ठीक है, अब इस पे मैं एक दो क्वेश्चंस लिख देता हूँ ताकि आपको भी ध्यान रखने में थोड़ा आसानी रहे। राइट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट चलो इसके लिए हम चलो इसको और बेटर बेटर बना देते क्वेश्चन को, एक ही रीजन ले लेता हम
सी एस थ्री ट्रिपल बॉन्ड सी सी एस थ्री। पहले मैं करा रहा हूँ इसके रिएक्शन एच टू एन आई के साथ, फिर करा रहा हूँ मैं इसके रिएक्शन एच टू पी डी बी एस ओ फोर के साथ, फिर रिएक्शन करा रहा हूँ एच टू पी डी सी एस सी ओ थ्री के साथ, और फिर रिएक्शन करा रहा हूँ मैं एन ए एन एस थ्री के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ एक साइड बाय साइड कंपेयर हो जाएगी। तो इसके बना दें आप जल्दी से प्रोडक्ट। पहले केस में क्या है, हाइड्रोजनेशन है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन है तो यहाँ पर ठीक है क्या बनेगा मेरे पास, सी 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 एस थ्री, और कंप्लीट कहाँ तक, एल्केन में इसमें कन्वर्ट होगा योर नॉर्मल हाइड्रोजनेशन, जो एल्काइन से किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में। अब यहाँ पर ठीक है बेरियम सल्फेट मैंने यूज़ करा, रोजेनमंड रिडक्शन होगा। ठीक है, तो एल्काइन से एल्केन में कन्वर्ट होगा और क्या बनाएगा, सिस। तो सी एस थ्री सी एस थ्री एच और एच। फिर यहाँ पर लेंडलार कैटलिस्ट यूज़ करा, इस केस में भी सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, सिस। और कहाँ तक कन्वर्ट होगा, एल्कीन तक, क्योंकि यहाँ पर हमने पॉइजन कर दिया इस कैटलिस्ट को। तो सी डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री सी एस थ्री एच और एच। लास्ट में एन ए एन एस थ्री। ठीक है, सॉल्यूशन में हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे बर्च रिडक्शन होगा, एंटी एडिशन होगा तो क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन। तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी सी एस थ्री एच एच और सी एस थ्री। यहाँ पे बनाइए एल्कीन, यहाँ पे बनाइए सिस एल्कीन, यहाँ पे भी बना सिस एल्कीन, यहाँ पे बना ट्रांस एल्कीन। ये है ठीक है नॉर्मल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, यहाँ पर है रोजेनमंड रिडक्शन, यहाँ पर लिनलार कैटलिस्ट यूज करा है और यहाँ पर बर्च रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से एक साथ सारी चीज़ कंप्राइज कर दी मैंने, इसको ध्यान रखिएगा।